आता है कि भगवान शंकर के ऊपर हल्दी निषेध है। तो हल्दी निषेध क्यों है? हल्दी निषेध इसलिए है क्योंकि हल्दी गर्म है और भगवान शंकर वैसे उनके ऊपर बहुत सारी चीजें गर्मा गर्म है। गले में हलाहल गर्म है, त्रेत्र में अग्नि गर्म है, तो इसलिए हल्दी का ले जो है लेपन उनके लिए कहा गया कि हल्दी शांति को देने वाला नहीं। लेकिन बड़ा सुंदर भाव है, उसी हल्दी में आप दूध में मिलाकर के भगवान को भोग लगाइए, वो तो है एक प्रकार से दवा का काम करेगा। तो इसलिए भोग इत्यादि में भगवान के जितने भी भोग स्वरूप में उनमें हल्दी का प्रयोग में कोई समस्या नहीं। हमारे बाबा का चढ़ाने में, हमारे यहाँ जो बाबा का स्वरूप और पूजा अर्चना है वो तो बिल्कुल भिन्न। हमारे यहाँ पर जो बाबा का स्वरूप है, जो बाबा की पूजा अर्चना है, ये भगवान शंकर के आप किसी भी स्थल पर आप जाइए, द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो पूजा सेवा अर्चन आपको यहाँ मिलेगा, ये पूरे विश्व में भगवान शंकर का ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है यहाँ का श्रृंगार पक्ष। हमारे यहाँ पर ये श्रृंगार जो ये जो पक्ष है, इस श्रृंगार पक्ष को हम प्रधान रखते हैं। हमारे यहाँ का बाबा कोई ऐसा बाबा नहीं है, भूत भावन बाबा हो, मंगल बाबा हो, कि जो है दूरा खाने वाला बाबा हो ना। हमारे यहाँ पर तो बाबा का जो भोग प्रसाद आप लोग पाते होंगे, देखा होगा, ऐसा कलाकंद आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ही प्रसाद की जो व्यवस्था है, ये प्रसाद की व्यवस्था आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। कहने का अभिप्राय है कि भगवान शंकर का हमारे बाबा का दरबार में यहाँ पर बिल्कुल अति विशिष्ट वैशिष्ट शैली में यहाँ पर सेवा होती है। तो हम लोगों का भावना ये है कि हमें भगवान को अपने जैसा मान करके हम उनकी सेवा अर्चना करें।